जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, सभी लोग आ जाइए। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है तो देखिए, तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुजान सागर की रचयिता हैं कौन हैं, ये आपको कमेंट में बताने हैं। अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताते जाएं। बताइए बोधा, घनानंद, आलम या रसलीन। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर आपका सही आंसर है सुजान सागर की रचयिता पूछा है, तो आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहां पर, हाँ विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, घनानंद आपका सही आंसर होगा, घनानंद राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 97, देखिए यहां पर पूछा है घनानंद की वह कृति जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से अनेक उलाहना दिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, घनानंद की वह कौन सी कृति है जिसमें कृष्ण के नाम पर नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से अनेक उलाहने दिए गए हैं, कृष्ण कौमुदी, इश्कलता, प्रेम पत्रिका या सरस वसंती। लवली जी, लवली चौधरी जी, बिल्कुल। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 97 का विकल्प नंबर डी, यानी कि प्रेम पत्रिका आपका सही आंसर होगा, प्रेम पत्रिका सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है आपसे कि घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 98 बताना है लवली ठाकुर जी, कृष्ण कौमुदी, इश्कलता, सुजान हित, यमुना यश। घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है, तो 98 का आपका जो सही आंसर होगा वह आपका सही आंसर क्या, सही आंसर तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 98 का विकल्प नंबर एक, यानी कि कृष्ण कौमुदी आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही कृष्ण कौमुदी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है 99 वा क्वेश्चन है, घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है आपसे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है घनानंद के प्रेम में कौन सी विशेषता नहीं है, स्वच्छंदता या फिर आसक्ति या उभय पक्षीय प्रेम या स्वानुभूति परक। तो घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो अनिल जी, राहुल जी, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उभय पक्षीय प्रेम आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए क्या है कि घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ आपके लिए बताना है कौन सा है, वियोग बेली है या पदावली, इश्कलता या सुजान सागर। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर बताइए। तो घनानंद जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ आपसे पूछा है, जो कि इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है कौन सा, सुजान सागर, बिल्कुल सही राइट आंसर है सुजान सागर, घनानंद जी का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, सबसे अधिक प्रसिद्ध सुजान सागर, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा सही आंसर, आचार्य रामचंद शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। सरबजोत जी, बिल्कुल, तो यहाँ पर 101 का सही आंसर होगा
विकल्प नंबर एक राइट आंसर है, आचार्य शुक्ल आपका सही आंसर होगा, आचार्य शुक्ल राइट आंसर है। इन्होंने घनानंद जी को क्या कहा है, साक्षात रस मूर्ति कहा है, बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक काव्य कौन सा है, ये बताना है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, तो मतिराम है या घनानंद है, देवकवि है या भिखारी दास है, तो यहां पर आपका राइट आंसर है वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, तो 102 का राइट आंसर होगा आपका सही आंसर घनानंद। क्या है सही आंसर, घनानंद आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। नीलम जी, विनु जी, बिल्कुल बी आपका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 103 पूछा है, घनानंद के जीवन की वह घटना जिसके फलस्वरूप उन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन आकर भक्ति साधना करने लगे, बताइए। तो यहाँ पर चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके, क्या होगा सही आंसर, राज दरबार में उचित सम्मान न मिलना, या मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा इन्हें दरबार से निष्कासित किया जाना, या नादर शाह के सिपाहियों द्वारा इनका एक हाथ काट डालना, या प्रियतम सुजान वैश्वा द्वारा इनके साथ विश्वासघात किए जाना, बताइए अनिल जी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो 103 का सही आंसर है कि प्रियतमा सुजान जो कि वैश्या थी, इनके द्वारा इनके साथ जो है विश्वासघात किया जाना, डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है जाहिद अली जी, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 104 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए, चंडी चरित्र किसकी रचना है, बताइए क्वेश्चन नंबर 104 में, चंडी चरित्र किसकी रचना है, 104 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। और आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर है, चंडी चरित्र जो रचना मानी जाती है गुरु गोविंद सिंह आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, सिखों के दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की कितनी रचनाएं संकलित हैं, 15 है, 16 है, 20 या 21, बताइए। तो यहाँ पर सभी के कमेंट देखते जा रहे हैं, और 105वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सिखों के दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की कितनी रचनाएं संकलित हुई हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 16 आपका सही आंसर है, 16 यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, 105 का बी सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 106 पूछा गया है, क्या पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में श्रृंगार रस का भी रंग है, बताइए कौन सी वह रचना है, क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर बताइए, चंडी चरित्र या फिर सुनीति प्रकाश या फिर चौबीस अवतार या उपरोक्त सभी, गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में श्रृंगार रस का भी रंग है, क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर बताना है, और 106 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 24 अवतार आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या पूछा गया है, विष्णु विलास किसकी रचना है, विष्णु विलास किसकी रचना है, बताइए सूदन, पद्माकर, लाल कवि या भूषण, क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो विष्णु विलास किसकी रचना है ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 107 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि लाल कवि।
लाल कवि आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। लाल कवि जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विष्णु बिलास, किसकी रचना है? लाल कवि जी की। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि विनय शतक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर बताइए, तोस कवि है या लाल कवि, बृंद कवि या देव कवि? विनय शतक के रचयिता आपके लिए बताना है कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और यहां पर आपका जो सही आंसर होगा 108 का वह आपका सही आंसर, बिल्कुल सही। तोस कवि राइट आंसर है, विनय शतक की रचयिता है तोस कवि। कौन है? तोस कवि, यानी कि विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 109 पूछा गया है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक किनकी रचना मानी जाती है बताइए? पद्माकर, मंडन मिश्रा, मंडन मिश्र है या भूषण या घनानंद? क्वेश्चन नंबर 109 है और 109 का सही आंसर बताइए, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? अनिल जी बिल्कुल, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? 109 का सही आंसर होगा आपका, विकल्प नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर है भूषण। सरल क्वेश्चन पूछा है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंगार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं, व्यंगार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है बताइए? व्यंगार्थ कौमुदी मतीराम, प्रताप शाही, पद्माकर या फिर भिखारी दास? क्वेश्चन नंबर 110 है और 110 का राइट आंसर होगा आपका, व्यंगार्थ कौमुदी के रचनाकार पूछा है तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, प्रताप शाही। प्रताप शाही रचनाकार माने जाते हैं व्यंगार्थ कौमुदी के, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कौन सी है? 111 हित तरंगणी, बिहारी सतसई, मतिराम सतसई या वीर सतसई? 11 का आंसर बताइए, हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति है कौन सी है? और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है 111 का, विकल्प नंबर एक यानी कि हित तरंगणी आपका सही आंसर। 11 का सही आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर? तो 111 का सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है कि हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कौन सी है, तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर एक होगा आपका सही आंसर, हित तरंगणी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, आर्या सप्तशती किसकी रचना है? आर्या सप्तशती किसकी रचना है बताइए? चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर बताना है बताइए। 112 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे और आर्य सप्तशती किसकी रचना मानी जाती है, तो आपका सही आंसर होगा 112 का बी राइट आंसर है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा गोवर्धन। गोवर्धन आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है तो यहाँ पर चलिए सम्मिलित कर देते हैं, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सम्मिलित करते हैं, गाथा सप्तशती, कूट भी आपके दिए गए हैं, कूट में आपका यहाँ पर और जो नीचे दिए गए हैं देख नहीं रहोगे, तो गाथा सप्तशती देखिए, जो गाथा सप्तशती है ये किनकी होगी? ये होगी गाथा सप्तशती हाल। आर्य सप्तशती किनकी होगी? तो आर्य सप्तशती है गोवर्धन। और अमरूक शतक किनकी है? अमरूक शतक है अमरूक
अमरुक की और हित तरंगणी जो है कृपा राम की। इस प्रकार आपके सम्मिलित किए गए हैं और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है कूट में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई हैं? बताइए सूरसागर, बीजक, बिहारी सत्सई या पद्मावत, ये चार विकल्प हैं, बताइए। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 114 है राहुल जी, बिल्कुल 114 का सही आंसर आपको बताना है और 114 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई आपका सही आंसर है। रामचरितमानस को छोड़कर जो सर्वाधिक टीकाएं हैं वह किस ग्रंथ पर लिखी गई हैं? वह बिहारी सत्सई पर ही लिखी गई हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बिहारी को कभी नहीं माना, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन थे, बताइए क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किसने बिहारी को कभी नहीं माना, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर ग्रियसन, और आपका सही आंसर होगा 115 का मिश्र बंधु। मिश्र बंधु आपका सही आंसर है। मिश्र बंधुओं ने जो है जो बिहारी कवि हैं इनको बिहारी को कभी नहीं माना है, विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक सही आंसर बताया। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस कोटि के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या ये सभी, क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर बताइए। 116 वह क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, बिहारी किस कोटि के कवि हैं ये आपसे पूछा गया है, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी राइट आंसर है, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, रीति सिद्ध जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है, दरबारी संस्कृति का, राम काव्य का, फारसी कविता का या फिर कृष्ण काव्य का, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 का सही आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 17 का सही आंसर है, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है, तो राइट आंसर होगा आपका फारसी कविता का। फारसी कविता का आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर सी जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, बिहारी सत्सई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 118 है, लाल कवि, मिश्र बंधु, कृष्ण कवि, लल्लू जीलाल, तो बिहारी सत्सई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी, क्वेश्चन नंबर 118 है और 118 का सही आंसर बताना है, तो आपका सही आंसर है 118 का विकल्प नंबर यहां पर डी राइट आंसर होगा, यानी कि लल्लू जीलाल आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। इन्होंने बिहारी सत्सई की टीका लाल चंद्रिका नाम से जो लिखी है वह लल्लू जी लाल ने लिखी है, बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किसने लिखा है, कृष्ण कवि, रत्नाकर, भारतेंदु या फिर कवि रत्ने, क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर बताइए। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद जो है किसने लिखा, तो 119 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका जो एक है वह सही आंसर होगा, यानी कि कृष्ण कवि, कृष्ण कवि आपका सही आंसर है। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद कृष्ण कवि ने लिखा है, विकल्प नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा है, बिहारी सत्सई के प्रथम टीकाकार कौन है, लल्लू लाल, कृष्ण कवि, आनंदी लाल या मिश्र बंधु,
क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर बताना है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और एक बार वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो यहाँ पर 120 का सही आंसर बताना है कि बिहारी शस्य के प्रथम जो टीकाकार हैं वह कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा कृष्ण कवि। कौन है? कृष्ण कवि आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बिहारी शस्य के प्रथम टीकाकार पूछा है, तो कृष्ण कवि आपका सही आंसर होगा। बिहारी शस्य की सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है, ये आपसे पूछा है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, या फिर लल्लू जी लाल, या जगन्नाथ दास रत्नाकर, आनंदी लाल शर्मा। 121 का आंसर बताइए। बिहारी शस्य की सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है, और 121 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर है 121 का विकल्प नंबर सी, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका सही आंसर है। बिहारी शस्य की सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है, वह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की जो है ये टीका मानी जाती है। 21 का बी आपका सही आंसर होगा। इक्कीस का सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 है, बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद के रचनाकार हैं, कौन है? बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद के रचनाकार कौन है, ये आपके लिए बताना है। गिरिधर कवि राय है, या फिर महाराजा मानसिंह दुजदेव है, सत्यनारायण कवि रत्न है, या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र है। ये चार विकल्प हैं, बताइए। बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर है 122 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, यानी कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आपका सही आंसर होगा। बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद के रचनाकार बाबू हरिश्चंद्र आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही सी राइट आंसर है श्वेता जी। आगे बढ़ते हैं, डी होगा राइट आंसर, डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 123 क्या पूछा गया है, देखिए। बिहारी शस्य किस कोटि का काव्य है? बिहारी शस्य मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है, चंपू काव्य, प्रशस्ति काव्य। 122 का सही आंसर, 122 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका बिल्कुल सही आंसर है 122 का विकल्प नंबर एक, यानी कि मुक्तक काव्य आपका सही आंसर होगा। मुक्तक काव्य आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 124 पूछा है, बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर बताइए, 124 का सही आंसर क्या होगा? 124 का सही आंसर, बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? तो आपका सही आंसर है 124 का विकल्प नंबर बी, यानी कि मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम आपका सही आंसर होगा। 124 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर यहां पर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहारी शस्य में कितने दोहे हैं? बिहारी शस्य में कितने दोहे हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा गया। 500 या 610 या फिर 713 है या 905। 25 का सही आंसर, बिहारी शस्य में कितने दोहे हैं, और आपका सभी का जो सही आंसर है 125 का वह राइट आंसर सी, यानी कि 713 है। 713 है आपका सही आंसर है। कहीं कहीं आपके लिए 719 भी मिलेंगे विकल्प में, और कहीं कहीं आपके लिए 723 भी मिलेंगे, तो ये भी आप याद रखिए। यहाँ पर 713 है, तो 713 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी शस्य में लगभग कितने दोहे सिंगारिक हैं? सिंगारिक दोहे पूछे गए यहाँ पर, बताइए। 300, 400, 500 या 600?
बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे सिंगारिक है, सिंगारिक दोहे आपसे पूछा गया है कितने हैं, तो 126 का सही आंसर बताना है, जो कि राइट आंसर है 600। 600 आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 127वां क्वेश्चन, कि बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है। राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवाद। तो 127 का जो सही आंसर है आपका, वह यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सही आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है, राधा चरण गोस्वामी आपका सही आंसर होगा। राधा चरण गोस्वामी आपका सही आंसर है, इन्होंने बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से की है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 128 ही रहा, बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 128 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लवली जी और लवली ठाकुर जी और सुविता जी सभी लोग आंसर बताते जाएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 128वां क्वेश्चन है, और बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है, तो आपका सही आंसर है कि इन्होंने कहा है, तो राइट आंसर होगा रेवेरेंड एडविन ग्रीव्ज आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 29 पूछा है, क्या पूछा गया है, देखिए, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में बिहारी ने किसका वर्णन किया है, बताइए। ग्रीष्म ऋतु का, राजा जयसिंह के यश का, वसंत ऋतु का वर्णन किया है, या विरही नायिका का वर्णन इसमें किया है कि इन्होंने बिहारी जी ने। क्वेश्चन नंबर 129 है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 129 का सही आंसर बताइए, और 129 का वसंत ऋतु राइट आंसर होगा। वसंत ऋतु का यानी कि विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। 129 का सी राइट आंसर। द्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 130 है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, बताइए। 130 का राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और इसका जो सही आंसर है वह आपका 130 का विकल्प नंबर एक यानी कि ब्रज आपका सही आंसर होगा। ब्रज, ब्रज आपका राइट आंसर है। द्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो ब्रज आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 131 पूछा गया है, देखिए, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 131 बताइए, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, पद्म सिंह शर्मा या शिवदान सिंह चौहान। 131 का राइट आंसर बताइए, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है। तो 131 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि पद्म सिंह शर्मा आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, पद्म सिंह शर्मा। क्वेश्चन नंबर 132 पूछा है, रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि कौन है। अद्वितीय कवि बोधा है, बिहारी, मतिराम या सेनापति। क्वेश्चन नंबर 132, 132 का आंसर आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि पूछा है, तो आपका सही आंसर है सेनापति, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सेनापति राइट आंसर यहाँ पर है। श्लेष अलंकार, श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है, बताइए। तो श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि हैं बिहारी, आलम, सेनापति या घनानंद।
क्वेश्चन नंबर आपका 133 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है 133 का वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि सेनापति आपका सही आंसर होगा। सेनापति राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए। रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है, देव कवि से, घनानंद या रसलीन या फिर सेनापति। क्वेश्चन नंबर 134 है और 134 का सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर कि देव, यहाँ पर पूछा है रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है, तो राइट आंसर होगा देव कवि यानी कि विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर एक राइट आंसर है देव। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 135 पूछा है, शिव सह सरोज में कविवर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है, बताइए 70 या फिर 20 या फिर 72 या फिर 22। 135वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिव सह सरोज में कविवर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है और 135 का सही आंसर होगा आपका 72 राइट आंसर होगा। 72 यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर, 72 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है शिव सह सरोज में, देव के 72 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। कविवर देव का वास्तविक नाम आपके लिए बताना है क्या था, देव सह, देव कुमार, देवदत्त, देव शरण। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर बताइए और 136 का सही आंसर है कविवर देव का वास्तविक नाम क्या था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, और 136 का सही आंसर होगा देवदत्त, देवदत्त यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है देवदत्त। नायिका वेद की दृष्टि से प्रोणतम रचना करने वाले आचार्य कवियों में सर्वोपरि कौन है, बताइए देव है, आलम या ब्रंद कवि या मुबारक। क्वेश्चन नंबर 137 है और 137 का आपका जो सही आंसर, नायिका वेद की दृष्टि से प्रोणतम रचना करने वाले आचार्य कवियों में सर्वोपरि जो कवि माने जाते हैं वह देव कवि ही माने जाते हैं, यानी कि विकल्प नंबर आपका एक सही आंसर होगा। लवली ठाकुर जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, नायिका वेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंगे की रचनाकार बताइए, मतीराम है या फिर देव कवि है, भिखारी दास है या फिर भूषण। क्वेश्चन नंबर 138 है और 138 का सही आंसर, नायिका वेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंगे के रचनाकार कौन माने जाते हैं और 138 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी यानी कि देव कवि राइट आंसर है, देव कवि सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 है, गंगा लहरी किसकी रचना है, मतीराम जी की है, ठाकुर, बोधा या फिर पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 139, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 139 है गंगा लहरी, जो कि सरल क्वेश्चन पूछा गया है, ये रचना किसकी है, तो पद्माकर, किन की रचना है, पद्माकर आपका सही आंसर होगा, गंगा लहरी पद्माकर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 140 पूछा है, देव कवि के विषय में कौन सा कथन असत्य है, बताइए, तो कविवर देव रीतिबद्ध कवि है या फिर ये अनेक आश्रयदाताओं के आश्रम में रहे या इनके 20 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए, इन्होंने नायिका वेद का वर्णन नहीं किया, तो असत्य कथन का, देव कवि के विषय में असत्य कथन कौन सा है, तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि इन्होंने नायिका वेद का वर्णन नहीं किया, ये जो कथन है ये कथन असत्य है, राइट आंसर होगा। हिंदी में नायिका वेद की प्रोणतम रचना करने वाले आचार्य जो हैं
आचार्य कवियों में देव कवि सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं, और ये आपका यहाँ पर कथन गलत है कि इन्होंने नायिका वेद का वर्णन नहीं किया है। इन्होंने नायिका वेद का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 141 यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, देव कवि ने सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की थी? भाव विलास, जाति विलास, रस विलास या नीति शतक? बताइए, 141 का सही आंसर बताना है। देव कवि ने सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की थी? और 141 का आपका सही आंसर है कि भावविलास। भावविलास आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कारण देव को अधिक प्रभावशाली आचार्य बनने से रोकता है? चमत्कार प्रदर्शन या काव्य शास्त्र मत विवेचन में विरोधाभास या परंपरागत मान्यताओं का समर्थन, विषय की विविधता? तारा जी विकल्प बताइए कौन सा होगा सही आंसर। 142 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा कारण देव को अधिक प्रभावशाली आचार्य बनने से रोकता है? तो 142 का राइट आंसर है काव्य शास्त्र विवेचन में विरोधाभास आपका सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। साहित्यानंद किन की रचना मानी जाती है? साहित्यानंद किसकी रचना है? देव कवि, ग्वाल कवि, वृंद कवि, गोप कवि? साहित्यानंद किन की रचना है? 143 का आंसर। और आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 143वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका सही आंसर है साहित्यानंद ये जो रचना मानी जाती है वह मानी जाती है किनकी? वह मानी जाती है ग्वाल कवि की। किनकी? ग्वाल कवि आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 144 पूछा है, रीतिकालीन काव्यांग रूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ हैं? छंद विवेचन, गुण विवेचन, रस विवेचन, शब्द शक्ति विवेचन? एक सौ चवालीस का सही आंसर बताइए। रीतिकालीन काव्यांग रूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 144 का राइट आंसर है। क्या है सही आंसर? रस विवेचन। रस विवेचन यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, रस विवेचन आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है विकल्प नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रस निधि का वास्तविक नाम था, रस निधि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सह, देवदत्त, पूरन सह, रसिक रंजन? क्वेश्चन नंबर 145 है और 145 का राइट आंसर है रस निधि का वास्तविक नाम था, क्या था? तो 145 का बिल्कुल सही राइट आंसर रस निधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सह था, यानी कि विकल्प नंबर आपका एक सही आंसर होगा। लवली जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक पृथ्वी सह राइट आंसर है रस निधि का वास्तविक नाम। तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर अपने यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी और हैं रीतिकाल से संबंधित, वह कल के वीडियो में यहाँ पर अपन कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें सभी लोग। रोज क्लास होती है अपनी ये रात्रि में 10 बजे, तो सभी के लिए आना है रोज रात्रि में 10 बजे एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लवली जी, श्वेता जी और लवली ठाकुर जी, लवली चौधरी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तारा बनवासी जी, श्वेता जी बिल्कुल, लवली ठाकुर जी, लवली चौधरी जी बिल्कुल, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।